हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन लेके आई हूँ चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें फाइव के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे ये दो लाइनों का डिज़ाइन है सीधी तरफ से शुरू होगा डिजाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड एच के फंदे को तो हम सीधा लेंगे अब यहाँ से हमारे पैटर्न के फंदे शुरू होंगे धागे को हमने अपनी तरफ कर लिया है पांच फंदों में हमने डिज़ाइन बनाना है एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे धागे को फिर से अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे धागे को पीछे करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से देखेगा ये दो फंदे हैं इनको हमने ट्विस्ट करना है यानी पहले हमने इस फंदे को बुनना है और आगे वाले फंदे को हम बाद में बुनेंगे सबसे पहले हमने क्या करना है इस फंदे को हम लूज़ कर लेते हैं और इस फंदे को हम पहले सीधा बुन लेंगे और बाद में हम दूसरे वाले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे उसके बाद इन्हीं दो फंदों को हम ऐसे निकाल देंगे फिर से हम डिज़ाइन रिपीट कर रहे हैं धागे को अपनी तरफ करेंगे पांच फंदों में हम डिज़ाइन बना रहे हैं एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करेंगे अब ये दो फंदों को हमने ट्विस्ट करना है पहले वाले फंदे को हम बाद में बुनेंगे और दूसरे वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे इसके लिए हमें क्या करना है पहले दूसरे वाले फंदे को हम लूज़ कर लेते हैं ऐसे ताकि बुनने में हमें आसानी हो दूसरे वाले फंदे को हमने सीधा बुन लिया है अब हम आगे वाले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे उसके बाद लेफ्ट हैंड से दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करेंगे ये हमारी सीधी साइड है तो लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे इस तरह डिज़ाइन की फर्स्ट ओवन के हमारी कंप्लीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में अब ये डिज़ाइन की सेकंड रो है एच के फंदे को छोड़ करके एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और बाद में दो फंदों को हमने ट्विस्ट करना है एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेते हैं धागे को पीछे करेंगे अब हमने क्या करना है एक फंदा हम सीधा बुनेंगे इधर धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर से धागे को अपनी तरफ करना है इस फंदे को छोड़ के पाँच फंदों में हम डिज़ाइन बना रहे हैं धागे को अपनी तरफ करेंगे अब ये दो फंदों को हमें ट्विस्ट करना है इसके लिए हमें क्या करना होगा पहले दो फंदों को हम सिलाई में ऐसे उतार लेंगे उसके बाद ये जो पहला वाला फंदा दिखाई दे रहा है इसमें सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस फंदे को हम निकाल देंगे आगे की तरफ से इस फंदे को हम वापस सिलाई में ऐसे ले लेंगे अब ये दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे अब यहाँ से फिर से पैटर्न हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा डिज़ाइन फिर से शुरू कर रहे हैं हम इसको धागे को पीछे करेंगे ये पांच फंदों में हम डिज़ाइन बना रहे हैं एक फंदा हम सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे अब ये दो फंदों को हमने ट्विस्ट करना है यानी इस फंदे को हमने आगे लाना है और आगे वाले को हमने पीछे लाना है दोनों फंदों को पहले हम सिलाई में ऐसे ले लेंगे उसके बाद ये जो पहला वाला फंदा है इसको सिलाई में ऐसे डालेंगे और पीछे वाले फंदे को हम निकाल देंगे इस फंदे को सिलाई में ले करके वापस इस सिलाई में ऐसे डाल देंगे अब ये फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं अब इसके बाद दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करके लास्ट के एज के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह सेकंड लाइन भी बनके हमारी कंप्लीट हो गई है इसके साथ ही डिज़ाइन भी बनके हमारा ओवर हो गया है आगे आपने इन्हीं दो लाइनों को बार बार रिपीट करते जाना है फ्रेंड्स जब आप इन दो लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के नजर आएगा बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं जैसे बच्चों के स्वेटर में जेंट्स स्वेटर में कार्डिगन में कोटी में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं बन के बहुत सुंदर नज़र आता है एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है मुझे मोटिवेशन मिलता है मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद